इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है आधी किलो हरी मिर्च। इसमें कुछ लाल मिर्च भी है और हरी मिर्च भी है। मैंने इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद इसे पूरे दिन पंखे के नीचे सूखने दिया। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुका है, इसका पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। साथ में मैंने लिया है 3 टेबल स्पून पीनट्स, कच्चा मूँगफली है 3 टेबल स्पून, यहाँ पर 3 टेबल स्पून सौंफ लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 2 टेबल स्पून पीली सरसों, 1 टी स्पून अजवाइन, 1 टी स्पून मेथी दाना और 1 टी स्पून लिया है मैंने कलौंजी। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पीनट्स को ड्राई रोस्ट करके रेडी करेंगे। इसको ड्राई रोस्ट कर लेने से इसके अंदर जो भी हल्की फुल्की नमी होगी वो दूर हो जाएगी और ये क्रंची भूनकर रेडी हो जाएगा। इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है भून के इस रेसिपी को बनाने पर। तो चलिए हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से क्रंची होने तक भून लेंगे। 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। पीनट्स को प्लेट में निकालने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम करने के बाद हम सबसे पहले कलौंजी को ड्राई रोस्ट करेंगे। आधे मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद हम इसे निकाल कर प्लेट में डाल देंगे। कलौंजी को मैंने एक प्लेट में डाल दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बाकी के मसालों को भून कर रेडी कर लेते हैं। मैंने जो मसाला तैयार किया था उन मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। एक मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। मसाला जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम मिर्च को बीच से चीर कर रेडी कर लेते हैं। इसे पूरी तरीके से नहीं चीरना है, बस बीच से एक साइड से ही चीरना है इस तरीके से। आप चाहें तो इसके सीड को, बीज को निकाल सकते हैं। मैं इसके बीज को नहीं निकालूंगी, मैं इसके बीज के साथ में बनाऊंगी। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे मिर्च को चीर कर रेडी कर लेते हैं। मैंने सभी मिर्च को चीर कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम सभी मसाले को पीस कर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीनट्स को पीस कर रेडी करेंगे। मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी किया है। आप देख सकते हैं इसे मूंगफली का छोटा छोटा सा चंक्स जो है दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में डालते हैं। मूंगफली को पीसते समय मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, रुक रुक के चलाना है। तो चलिए हम इसे प्लेट में डालते हैं। अब हम कढ़ाई के बाकी मसालों को पीस कर रेडी कर लेंगे। मैंने इसका फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इस मसाले को इस मूँगफली वाले प्लेट में ही डाल देते हैं। अब हम इसी मसाले वाले कढ़ाई के अंदर डालेंगे लगभग 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम तेल का इस्तेमाल किया है। इतने ही तेल में मैं आधे किलो मिर्च का अचार बनाकर रेडी कर लूँगी। तेल से जब हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो जाए तब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तेल जब 60-70% तक ठंडा हो जाए तब हम डालेंगे इसमें 1 टी स्पून हींग। मैंने जो कलौंजी को ड्राई रोस्ट करके रेडी किया था उस कलौंजी को मैं डाल दूंगी। इसे पीसा नहीं था मैंने, खड़ा ही रहने दिया था। पीस देने से कड़वा हो जाता है मसाला, इसलिए जब भी अचार बनाएं कलौंजी को खड़ा ही डालें। तो चलिए कलौंजी को डालने के बाद हम डालेंगे पीसा हुआ मसाला, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि अचार के अंदर नमक जो है ज़्यादा जाता है। नमक के कम होने पर अचार के खराब होने का चांस बढ़ जाता है, तो इसलिए जब भी अचार बनाएं हल्का नमक ज़्यादा ही डालें। साथ में हम डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से विनीगर, जो खाने वाला विनीगर होता है जो चाउमीन वगैरह में डलता है उसी विनीगर का मैंने इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं
हमें इतना विनेगर डालना है जितने में मसाला जो है अच्छी तरीके से सन कर रेडी हो जाए। तो चलिए हम इसे मिक्स करते हैं, देख लेते हैं कि कितना विनेगर जाएगा इसमें। मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए विनेगर हम डालकर मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी करेंगे। मसाला अभी बहुत ड्राई है, तो बाकी के हम बचे हुए विनेगर को भी डाल देंगे। मैंने 1/4 का विनेगर का इस्तेमाल कर लिया है। विनेगर डालने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जब मसाला बिल्कुल ठंडा हो जाए, तब हम इसे अचार के अंदर स्टफ़ करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़्यादा मसाला स्टफ़ नहीं करना है, ज़रूरत के हिसाब से करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से सभी मिर्च के अंदर स्टफ़ करके रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना मसाला मैं उठा के इसके अंदर स्टफ़ कर रही हूँ। इसमें से भी मैं बचा लूँगी, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। मिर्च के अंदर मसाला को स्टफ़ करने के बाद अरे मिर्च के अचार को मसाला के साइड वाले पार्ट को ऊपर करके एक बड़े से थाली में डाल दिया है। अब हम इसे धूप में डालेंगे और पूरे दिन सुखा के रेडी कर लेंगे। पूरे दिन तेज़ धूप में सूखने के बाद अब ये अचार बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से सूख चुका है, लेकिन इसके अंदर जो अचार के अंदर जो नमी है, सॉफ्टनेस है, वो अभी भी बरकरार है। ये बहुत अच्छे तरीके से बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो ऐसे सूखा भी स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है, इतना काफ़ी है। पूरे दिन तेज़ धूप में सुखाने के बाद इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टोर करते हैं। हम इसे सूखा ही ऐसे ही स्टोर करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर और तेल डाल सकते हैं। तेल डालने से पहले सबसे पहले उसे गर्म कर लेना है, तेज़ गर्म करना है। उससे जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तेल से, तब गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद जब वो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, तब उसके अंदर हल्का सा विनेगर भी मिक्स कर देना है, ताकि अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो। विनेगर डालना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इसके अंदर विनेगर डाला हुआ है अचार के अंदर, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, या फिर केवल तेल भी डालकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। हम इसे सूखा ही ऐसे ही स्टोर करेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बस इसे बीच बीच में हल्का फुल्का धूप दिखाते रहना है। आप देख सकते हैं मैंने अचार को स्टोर कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस अचार की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। ये अचार की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस अचार के साथ पूरी, पराठा, दाल चावल किसी के भी साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाने में बहुत आसान है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें।